अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन ज़ान करे तांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपमर हाजिर है। नाज़रीन तां खबर तां प्रोग्राम में असा तांखे मुख्तलिफ बीमारन जी जान दींदा आहियूं। मुख्तलिफ मेहमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदा उहो नफ़्सियाती मर्ज़न बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, साइकेट्री जे बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नफ़्सियाती मर्ज़ कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जूं निशानियूं कहिड़ियूं, उन्हनि खां बची कीअं सघिजे, उन जे इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु असां मेंटल हेल्थ जो जेको ऑर्डिनेंस आहे उन बारे में बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त असां ते हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं नफ़्सियाती मरीज़ आहे त असां घर वारनि ते असांजी सोसाइटी ते या उनजे डिपार्टमेंट में जिते उहो रहे थो उन ते उनजा कहिड़ा राइट आहिनि त हू उनजो इलाजु कीअं कराइनि ऐं उनखे बहितर कीअं कनि त जीअं हू नफ़्सियाती मर्ज़ मां निकिरी बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघे। असां वटि अक्सर ईअं असां नेगलेक्ट करे सघंदा आहियूं, नज़रअंदाज़ करे सघंदा आहियूं। जेकॾहिं असांजे घर में को नफ़्सियाती मरीज़ आहे त असां उनखे नज़रअंदाज़ करे सघंदा आहियूं, उनजो इलाजु न कराईंदा भई हाणे हीउ जेको असो नफ़्सियाती मरीज़ थी वियो आहे, हीउ ठीकु नथो थी सघे, उनजो इलाजु कोन्हे, उनखे मुख़्तलिफ़ मौलवियुनि जा दरगाह ते वञी छॾे ईंदा आहियूं, उनखे नेगलेक्ट करे छॾींदा आहियूं, या जेके नफ़्सियाती सेंटर आहिनि उनमें छॾे ईंदा आहियूं। हालांकि ईअं न आहे ऐं नफ़्सियाती जो बि सॼी दुनिया में तमामु सुठो इलाजु मौजूदु आहे, जे जीअं असांखे जिस्म जी मुख़्तलिफ़ ॿियूं बीमारियूं थींदियूं, दिलि जी बीमारियूं, पेट जूं बीमारियूं, ऐं उनजो इलाजु कराईंदा उहो ठीकु थी वेंदासीं ऐं बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे था करे। नफ़्सियाती मरीज़ जेके असांजे घरनि में जा असांजे माशरे मौले में मौजूदु, उन्हनि जो बि जेकॾहिं सुठी तरह इलाजु कराइजे त उन्हनि जा नफ़्सियाती मर्ज़ ख़तमु थी सघनि था, उहे बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था। त थोरो हेल्थ ते त असां ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, हमेशह ॻाल्हाईंदासीं, पर अॼु असां थोरो मेंटल हेल्थ जेको आड़ी न सां उनजे कानून ते बि ॻाल्हाईंदासीं त उन नफ़्सियाती मरीज़ जा असांजे मथां कहिड़ा हक़ आहिनि, हिन माशरे मथां कहिड़ा हक़ आहिनि ऐं उन्हनि खे असां कीअं बहितर करियूं त जीअं इहे जेको नफ़्सियाती मर्ज़ हिते असां वटि वधी रहिया आहिनि उन्हनि खे असां कीअं घटाए सघूं, इन बारे में बि असां जेको सो तव्हांखे ॼाणींदासीं। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान खां को बि सुवाल पुछी सघो था, पर जॾहिं तव्हां फ़ोन करियो त महिरबानी करे पंहिंजी टीवी जो आवाज़ रखो, असां सां ॻाल्हायो, असांखे ॿुधायो जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ते पहुचे, असां हुनखे सम्झी सघूं। अॼु त मुंहिंजो मौज़ू जेको आहे उहो आहे नफ़्सियाती मर्ज़ ऐं उन सां गॾो गॾु जेको मेंटल हेल्थ जो ऑर्डिनेंस आहे या कानून आहे उन बारे में बि तव्हांखे ॼाणींदासीं। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि, पहिरियों महिमान डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इक़बाल आफरीदी ऐं नाले वारा प्रोफेसर आहिनि, साइकेट्रिस्ट आहिनि, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में ऐं उनजी इस्पताल आहे उते मौजूदु आहिनि, ऐं तमामु घणे पैमाने ते जेके मरीज़ ईंदा आहिनि साइकेट्री जा या जेके नफ़्सियाती उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि, ठीकु बि कंदा आहिनि। हिन वक़्तु जदीद साइंस में नफ़्सियाती मर्ज़नि जो तमामु सुठो इलाज़ु मौजूदु आहे, पर उन इलाजु कराइणु तमामु ज़रूरु। उन सां गॾोगॾु मूंसां गॾु बैरिस्टर फ़रोख़ या शेख गॾु आहे, उहे बैरिस्टर आहिनि जॾहिं मेंटल हेल्थ जो जेको ऑर्डिनेंस जॾहिं ठहियो त उनजा बहितरीन ड्राफ्ट आहे, जेको ड्राफ्ट जेको लिखियो उहो बैरिस्टर फ़रोख़ ज़िया लिखियो। त फ़रोख़ ज़िया पुछंदा त जेके मेंटल हेल्थ जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जा असां ते कहिड़ा हक़ आहिनि, सोसाइटी घर या उनजा मिट माइट कहिड़ो फ़र्ज़ु अदा कनि त इहे जेके नफ़्सियाती मरीज़ आहिनि उहे कीअं बहितर थियनि, या उन ड्राफ्ट में ऐं मेंटल हेल्थ जा जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं कानूनी ॼाण आहे, कीअं उन्हनि खे बचाए सघिजे थो इन्हनि बीमारियुनि खां, या उनखे सुठो इलाजु करे ऐं हिन दुनिया जो या हिन मुआशरे जो सुठो फ़र्दु कीअं बनाए सघिजे त जीअं हू पंहिंजे घर ऐं पंहिंजे ॿारनि जी ख़िदमत करे सघजनि। अचो त पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अलैकुम, वॾी महिरबानी, मोहम्मद इक़बाल आफरीदी तव्हां हिते असां वटि आयो। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब ऐं फ़रोख़ ज़िया, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां बि हिते असां वटि आयो। ऐं डॉक्टर साहब माशाल्लाह हम सिंधी में भी बात करेंगे, उर्दू में भी करेंगे, मगर मेरे को सबसे बताया कि हेल्थ क्या है। पहले ही बोलते थे भाई जो ठीक है वो हेल्थ है, मगर अब WHO ने शायद 5 हिस्से डाले हैं, वो क्या है, हेल्थ क्या है? सबसे पहले तो ये है कि WHO ने बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन बनाई कि अगर कोई बीमार नहीं है तो उसका मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। यानी ये है कि सेहत महज किसी बीमारी की अदम मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि ये जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी आसूदगी यानी खुशहाली का नाम है। अब पहले इसके तीन हिस्से हो गए कि जिस्मानी तो बंदा फिट हो, फिर साइकोलॉजिकली, सोशली, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, इसमें इजाफे ये हैं कि बंदा इंटेलेक्चुअली सही हो, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है स्पिरिचुअली ठीक हो कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। मसलन अगर हम देखें, आप हमारे यहाँ लोग पैसे जमा कर रहे हैं, देखो खाएँगे कब, तो लिहाजा। और फिर ये जो इंटेलेक्चुअल हेल्थ की मुराद है कि दुनिया में कुदरती आफात से इतने लोग नहीं मरे जितने इंसानों ने मारे हैं गलत फैसले करके, तो लिहाजा जिसकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ अच्छी हो और वो सरबराह मुमलिकत हो तो मुल्क को आगे ले जाएगा, वरना तबाही है। तो अब जो है इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि हेल्थ सेहत प्रिवेंशन भी काफ़ी नहीं है बीमारियों से, बल्कि प्रोमोशन ऑफ हेल्थ होने चाहिए, ज़हनी सेहत का फ़रोग होना चाहिए। यानी पहले कहते थे बच्चा फेल ना हो बस, ठीक है, नहीं भाई पास होना भी नहीं है और पास होके अच्छे नंबरों पर लाना है। तो अब कहते हैं कि सिर्फ बीमारी से नहीं बचाना, बल्कि उसको इतने लेवल पे लाना है कि वो सेहत की मेराज पे चला जाए। सेहत की मेराज क्या है? मिसाल के तौर पर अभी मुझे 300 लाख अल्फाज याद हैं,
मेरी वोकेबलरी है, ये 6 लाख भी हो सकती है। पहले एक अताली के पास बच्चे को भेजते थे, वो घोड़ा सवारी, तीरंदाजी, फलकियात सब सिखाता था। अभी क्या सूरत हाल है कि जो है गाड़ी कोई और चला के देता है, और वो क्या कहते हैं तो डॉक्टर हाँ। आप समझ रहे हैं कि जो WHO ने बोला ये 5 हिस्सों में, हम क्या इन 5ों से भी काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो उस पर लेवल पे इतना काम अभी भी नहीं हो रहा है कि हम, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि हाई मार्क्स कि ज़्यादा नंबर ले लिए वो डॉक्टर बन गया, उसको ये नहीं देते उसमें रुझान है या नहीं है, रुझान भी ज़हनी तौर पे उसकी कैसा है। हाँ, तो ये तो है कि उस पर असर इतना अभी तक उसका अमल नहीं हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए कि हमने, और लेकिन इस पर एक अच्छी रिसर्च हुई है, पहले टोरंटो में हुई कि कितने लोग ज़हनी तौर पर आसूदा हैं। 22% लोगों ने कहा कि हम ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। बरतानिया में 13% ने कहा हम लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, बाकी ने कहा ऐसी गुजर रही है। तो मतलब इसका मतलब तो बड़ा हिस्सा जो है वो अंडर प्रेशर है या डिप्रेशन में अपनी लाइफ गुजार रहा है। उनको बहुत सों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं था, फिर भी लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे। तो अब वो कहते हैं कि सिर्फ बीमार होना होना ही काफी नहीं है, बल्कि बीमार ना होके सेहत की मेराज पे जाना, मतलब खुश रहना, ये बहुत जरूरी है, एंजॉय करें। अच्छा बैरिस्टर फारूक से, क्यों जरूरत पड़ी कि हम मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस बनाएं? क्या हम अपने जो मरीज थे उनको राइट नहीं दे रहे थे? सर, इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस हमारे मुल्क में बना फरवरी 2001 में, ठीक है। होना को पेरों जो मेंटली डिस्टर्ब्ड पीपल, आई विल यूज द वर्ड, हुनन जो जो एक्ट हों दो हुना के चिंदा हा से लूनसी एक्ट। अच्छा, वो अंग्रेजन जो हो, देन इट वाज डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट अ गुड नेम एनी मोर, ठीक है। तो बरतानिया में उन्होंने लिखियो मेंटल हेल्थ एक्ट, MHA, सही, मेंटल हेल्थ एक्ट। असा पो उन्हें को इंस्पायर थे से, ठीक है, असा ठायो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001। इट इज़ एन एक्स तमाम सुठो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हाँ, ये बुधो कि कोई भी मानू पांजी मर्जी से तो डिसऑर्डर ना तो बीमार ना तो थे, सही बीमार ना तो थे, नेचुरल प्रोसेस है। उन्हें बेचारे के का शौक लगी, हाँ बिल्कुल, काथे को पैसा बुढ़ी वेस, काथे को जाले से झगड़ो थी वेस, बारखणी भजी वही हे हो, कते नुकसान थे, घर वारन में झगड़ो थे, हाँ। एवरी लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स उन्हें जो मथे से चढ़ी गया तो उनके बेचारो बीमार थी वे, बीमार थी वे, सही। इन मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस विच केम इन टू बींग आई थिंक ऑन 10th of February, अगर मैं याद सही है, 10th हो या 20th फरवरी 2001 हुन में असा लिखियो हुन के जी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, हां ठीक है, ठीक है, मेंटल हेल्थ सही है। असा केंखे भी खुदा ना खास्ता कोई नफसियाती मरीज ना था, नो नो नो, बिल्कुल ना था, सही। वी कॉल इट मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ सो दैट मींस दैट एवरी जो भी मानो को लेक्सोटिल तो वठे, ए तो वठे, को सुकून जी गोली तो वठे, निंद्र जी गोली तो वठे, हुन जी है मतलब ना को नफसियाती मरीज, बिल्कुल ना, सही गाल। लेकिन जो मानू आहन बेचारा सीरियस पेशेंट्स, जी साई हेड ऑफ साइकेट्री या हेड ऑफ न्यूरोलॉजी या JPMC में, तो हनन वट जे के समझा मानू अचन था, यस हनन स्किजोफ्रेनिया बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी, सही, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया हो बीमारी घर से ठीक न थींदी ते पांजे हन में हेल्प कंदा। प्रॉब्लम हे या के केंखे भी आफ्टर द एक्ट, एक्ट जी सुठी गाल है, असा केंखे भी ए कि बुरे लफ्ज से नथा के सही सकूं, ये चर्या है। अच्छा, चर्यो नथा चाहिए, नो 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 नो, मतलब बीमार है बस, बीमार, मेंटल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ठीक थी सके तो, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, हां इलनेस है, ठीक थी सके तो, इट इज मेंटल इलनेस, हां, इट कैन बी एग्रेवेटेड, इट कैन आल्सो गो अवे बाय टाइम, सही है। मैं एड़ा मानू डिटाइन जो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास थी गया, आई कैन नेम अ फ्यू बट इट विल नॉट बी लाइक, नॉट पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, सारी दुनिया में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, मुझे डॉक्टर साहब से पता चला इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज have been not well, और उनको जो है वो बाद में ठीक हो गया। पाकिस्तान में जो हमारे पास मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस है वो है या कि कोर्ट डिटर्मन्स, हाँ जी कराची के अंदर पंजा, आई थिंक हाँ पंज क्या था या छह क्या था, साउथ वेस्ट ईस्ट सेंट्रल एंड मलीर, इन सभी में एक जज वेठो आज डेजिग्नेटेड टू लुक आफ्टर द मेंटल हेल्थ पीपल।
अच्छा उन्हें जो प्रॉब्लम खेर यस ओके इट इज सच्ची गाल है हने अगर ब मानु इन घर में या चार मानु इन उन्हें खबर पे यार ये जो हमारा बच्चा है अल्लाह माफ करे या जो सा जो मुड़ साथ दूड़ा चाहे जो भी है भाई केयर भी कोई भी हो परेशान है ज़हनी तौर पे ठीक ना दे कैन फाइल दे फर्स्ट हैव टू गो टू अ डॉक्टर हु इज नॉट ओनली प्रिस्क्राइब्ड बट हैज दैट क्वालिफिकेशन एंड ही हैज दैट दोज नंबर ऑफ इयर्स डॉक्टर साहब को याद होगा 7 साल है कि 9 साल है साइकेट्रिस्ट की हां मतलब एक और सुठो साइकेट्रिस्ट एक्जेक्टली नॉट क्विक नॉट क्विक वो एक कंपोनेंट साइकेट बिकॉज़ दिस इज दिस वी आर ये दुखी लाइन है हां दुखी लाइन है बिल्कुल दुखी खुदा ना खास्ता था अगर क्विक को ठलिया वाला गलत कम थी वाले गलत थी ही कैन कमिट सुसाइड ही कैन गो होम एंड शूट हिज वाइफ ठीक मतलब गलत थी इज नॉट ही इज नॉट वेल मा इन दिस थोड़ो इन थे इन में पॉइंट्स केडी वन जो के असन के जी साईं डॉक्टर साहब ता जनरल हेल्थ बुधाई डॉक्टर इकबाल पर थोड़ो मुखे मेंटल हेल्थ से बुधा अच्छा यो ता सुठी बत नमने सब पूछो या पहली गाल ती या तो लव्स मेंटल जो मानो असन जे कल्चर में समझन ता तो चरियो चवन चरियो हालांकि ये ना है मेंटल मींस रिलेटेड टू माइंड यानी दिमाग यानी ज़हन से मुताले हां मा असन चोंदा तो मेंटल हेल्थ माने सुठी गाल है वनस्पति ये गारी है मेंटल हेल्थ आहे छा सेहत जी हेल्थ डेफिनेशन तो डब्ल्यू जो सुठी ठाई पर जरे माल इन के दिमागी जहनी सेहत छा है तो इन कई डी वेठा आखिर में सही डेफिनेशन न ठाए सकार एक लाइन से मुतफिक थिया तो मेंटल हेल्थ इज ब्रॉडर देन लैक ऑफ मेंटल इलनेस यानी जहनी सेहत जहनी बीमारी के न होने का है वो न करी सका पर लकीली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक सुठी डेफिनेशन ठाई है जहाँ अंग्रेजी में चाहूँ तो तर्जुमा करा था तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट इन विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर पोटेंशियल वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली कैन कोप विथ स्ट्रेसेस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी यानी चार हिस्से हैं इसके चार हिस्से हैं ज़हनी सेहत के नंबर एक इंसान ज़हनी सेहत ऐसी कैफियत का नाम है जिसको मैं इंसान को अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो कि मुझ में क्या खामियां हैं क्या अच्छाइयां हैं खामियों को ठीक करूं और अच्छाइयों को उजागर करूं नंबर दो रोज़मर्रा के मसाइल से नंबर आजमा होने की सलाहियत रखता हो कि रोज़मर्रा में बिजली नहीं है फलाना नहीं है छोटे छोटे काम उनको सही तरीके से हैंडल करे ठीक है नंबर तीन मुफीद काम करे वर्क फ्रूटफुली फायदे वाले काम करे जिसमें लोगों को फ़ायदा हो और सबसे अहम है कि अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में एक फाल किरदार अदा करे अच्छा फर्द हो इफ समबडी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू हिज और हर कम्युनिटी ही इज़ नॉट मेंटली हेल्दी यानी सबसे पहले तो अपने घर वालों को फिर इर्द गिर्द वाले मोहल्ले को फिर मुल्क को फिर पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करे ये है अगर इस कसौटी पे हम किसी को उतारें तो बहुत सारे हम में से ज़हनी तौर पर आसूदा या खुशहाल नहीं है मैं ज़रूर पूछूंगा कि वो आसूदा क्यों हैं और फिर ज़िया साहब से भी पूछूंगा कि कौन सी वो 8-10 पॉइंट थी जित पे आपने इतना काम किया पर वक्त व छोटे वक्फे का नाज़रीन बैठो था नड़ो वक्फ वेलकम बैक नाजर अच्छे सिलसिलो बीहर पैं मेहमान से शुरू क्यों डॉक्टर साहब मेंटल जहनी बीमारी मेंटल की जो गाल कर दिमाग तमाम अल्लाह ताला वो जबरदस्त खजानो असि जिंदगी उन में तमाम घड़ी शिन की असर जान करना पर जो असर जहनी मर्ज थियन था उनके खास सबब हैं जी दरअसल 1977 में जॉर्ज एंजल एक सुठी मॉडल दिनी तो सभी बीमारी चाहे नफ्सियाती हुजन या जिस्मानी बीमारी हुजन उन्हें या टे वजहन एकड़ो बायोलॉजिकल बियो साइकोलॉजिकल एंड टियो सोशल बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिजीज इन क्रो टिनी जो करे असा बीमार थी सकू ता थी ए उन्हें यो चयो त ही रुगो नफ्सियाती बीमारी जला ना चाहे शुगर हो जे चाहे ब्लड प्रेशर हो जे इनी वजह ए टे एन इलाज भी एड़ो ही हुजन गुरजे हाने इन जो मिसाल या त मा जासा पुछू तो एक्सीडेंट छो था थियन एक्सीडेंट जहाँ टे वजह या तो ड्राइवर में खराबी है या गाड़ी में खराबी है रोड में खराबी है तो अड़े नमूने से चाहूँ तो फसल छो सुठी न थी या तो बिज खराब हो या जमीन ठीक होनी या मौसम मुआफिक न हो तो हाँ उन चाहे ब्लड प्रेशर हुए शुगर हुए या नफ्सियती बीमारी हुए ये छो कर बायोसाइको सोशल प्रॉब्लम करी पी तो लिहाजा इन इलाज भी अड़ो होने घुर्जे इन मिसाल ये
जमा शुगर या ब्लड प्रेशर वाले मरीज के दवा लिखी दिया वे परहेज न करे मिठी खाए मिठी मिठाण खाए वरी दोबारा एक्सरसाइज न कंदो निंड जो ख्याल न कंदो परेशानी जो ख्याल न कंदो तो वरी ब्लड प्रेशर शुगर वधंदो तो उन लिहाज से हर बीमारी जो वजह भी है इलाज भी अड़ो घुर्जे तो असो जी अस चूं तो रुगो कपड़ा ठीक सुठो कपड़ो ठीक न हो बल्कि सिलाई भी ठीक हो मौके की मुनासिबत से भी होनी मर्जन रीजन है हाँ इन में रीजन में अस चूं तो बायोलॉजिकली माना विरासत में को ज़हनी केमिकल को ठीक ना केमिकल है जिन में सेरोटोनिन जे सेरोटोनिन घट जो बने तो बंदा उदास है तेज थी विंदो आ तो मानु गलाए जाम डोपामिन वधी वियो तो कनन में गैबी आवाज इंदा अजीब शक्लो नसण में शक शुबा थींदा अच्छा एड़े नमूने सा ही तो बायोलॉजिकल वजह थी हां साइकोलॉजिकल वजह है या तो मानु जे बचपन में जे उने के सुठे नमूने सा तरबियत न दिजे उने के थोड़ी हौसला अफजाई न कजे आई उने जा जेके फ्रस्ट्रेशन में हुए स्ट्रेस में हुए तो कुछ जो साइकोलॉजिकली उनके दबाए रखे मतलब नाकामी हाँ उन में जो वो लाशूर में कॉम्प्लेक्स ठही वा उन सबब टो सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम में मसलन अनबन है शादी में या जाल मुड़ो पा में तालुका ठीक ना या सास बहु के तालुका ठीक ना या जो है सीनियर जूनियर जहाँ तालुका ठीक ना या अनएम्प्लॉयमेंट है या रोजगार आजकल ला एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है या इंटर रिलेशनशिप पा में ठीक ना तो इन करे या मतलब जो प्यार मोहब्बत में नाकाम है यो भी नहीं जो बिल्कुल इन में अच्छा नशो जो वो भी इन तरफ वी तो वे नशो हाँ जी माल अस चूं जी माल एक होता है एडेप्टिव मैथड एक मेल एडेप्टिव मैथड जी माल अस परेशान थूं तो तरीको ये आके सेहती सेहतमंद तरीका स्ट्रेस का बचने जहाँ के एक्सरसाइज करें पाँच सुठी खाधे का ख्याल करा निंड जो ख्याल करा यार दोस्तों से मिला प्रोफेशनल हेल्प वहाँ बो तरीको आ तो उनके माँ दबाया कि नशो खाई तो दबजी वे इन मिसाल ये तो जो गाड़ी इंजन जो शोर करे मां शीशो चढ़ाए छड़ींदस शोर तो नहीं पर मसलो मसलो पी चुके तो इन करे ये भी मतलब ये सब मसला असके जहनी मर्जन के वी अच्छा मिनिस्टर फारूक जो तुम ड्राफ्ट बनाए उन चार पंज सुठ पॉइंट्स जिन जे नफ्सियाती मर्ज मरीजों के लिए बेहतर हूँ वर्ड लूनेटिक कटी छोड़ो से ठीक हाँ अस वी हैव गॉट अस लफ्ज़ वी आया से जैमें तमाम शूं थी अची वन मेंटल डिसऑर्डर ठीक बो मरीज के अस हर तरह की परेशानी प्रोटेक्शन दिनी सहूलत जो साई अदा चो पैरों के उनके अस्पताल में इलाज है या वो एवरीथिंग दैट इज उन्होंने प्रोवाइड कई है बो है कि वो फर्ज़ मिसाल उनकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व आ ना जो शुरू में चवान पो कि ये थे तो जी मू किस्म की शॉक या परेशानी या तकलीफ या डिसअपॉइंटमेंट दुख हुआ है जी मुझे इस बात पे दुख हुआ बंदे को वो डिप्रेशन में चला गया ठीक है ना उसके मिजाज की बात नहीं हुई इतनी ज़्यादा कि वो डिप्रेशन में चला गया सही तो उनके लिए अस ये चाहता हूँ कि उसका हाँ जिस तीन बेचारो ठीक थे उन हाँ बार बच्चा एसेट्स केर दिसो देन जो फैमिली के प्रोटेक्शन यस प्रॉपर्टी तो बिया खी खाई भा बीमार बो भा अगर जबरदस्ती कें कागज से साइन तो कराए तो ये काथे वो नुकसान थे यू हैव टू टेल द कोर्ट कि भाई इसका जहनी तवाजुन ठीक को ठीक थे हाँ वो केर डिटर्मिन कह कि जहनी तवाजुन ठीक ना वो कोर्ट डिटर्मिन कंदी जल्द प्रिस्क्राइब कोर्ट के उन्हें फैमिली के प्रोटेक्शन देनी था प्रोटेक्शन था इनते अगर खुदा न खासता है ठीक न थे इन बेचारे जी बीमारी वधे थी तो तुरली वो ना कमाइण को भी वो छो कि अस्पताल में और जो पेरू जो प्रॉपर्टी है वो भी रिश्तेदार माइट खाई वे ये एकड़ी शै मैं तक अर्ज कदम कि सभी के जरूरी है जो जहन में रखन एकड़ो जो साई अदा हुकुम बुधायो कि जी जेनेटिक हाँ केमिकल्स में इंदा केमिकल्स आए फना केमिकल साइंस आगे वधी था वन फना केमिकल्स घीट थी वन कें भी मैं बुधो कि जी ये बीमारी अड़ी है जी शुगर
you inherited it. It's in your genes. Families khami diya. Right, like bipolar bimari ya ho tahan je genes bhi hain hale thi ache thi theek hai hane who will determine to jo bhi hona je aas paas ja hona je well wishers hujan zal ho je ghar wala ho jan he ho phala ho jan ho court mein venda court ikro board constitute kandi maake yaad hai maake ek safa doctor saab chavan pya ke yaar wo district court ki sidhi unhadi badi hain खड़ी You see, it is the job of the court to कि law बना दिया. ठीक है. Law ठाई छोड़े उसे. हने हर घर में पुलिस वाले तो ना वे होंगे ना कि जो मानी खा रहे हैं. हाँ. हने दवाई डेस. ये तो कोई भी ना कंदो. ये उन्हें जो घरवार जो फर्ज. हाँ घरवार जो फर्ज. फर्ज है यो. ताँ जो को सावेर जो करे. Exactly फर्ज है. ताँ उन्हें जो खिदमत है. Unless वो पाना था चाहें कि बेचारों बीमार रहे. There's a very small line in it. हजारों केसेस अच्छा ना ना थोड़ो जो नर्वस ब्रेकडाउन थे तो मानुन जो जो परेशान थे अंता दैट इज बिकॉज़ ऑफ मेजॉरिटी जो 30 साल थी वकालत के 30 साल में मां डेथ हुआ छा मियां बीवी का झगड़ा और बच्चों की कस्टडी अच्छा डॉक्टर साहब जने को शौक तो पहुंचे डी जबरदस्त मेरे सर साहब जने शौक पहुंचो घर में लड़ाई थी झगड़ो थियो या माली मामला थन या कुछ भी तो इनो शौक छो तो लगे छो छा ज़हन असा जो ब्रेकडाउन थे छा केमिकल वधी घटी था जन छो बीमार तो थे मा अच्छा उने में छो के असा बर्दाश्त छो न था करे दिसो असा इने में ये है बचपन का जे असा पांजे बारन केड़ो ट्रेनिंग दियु त नाकामी या फेल थेन में भी मानु की रह जे की उनके फेस के उने के सिखार जे त या गाल त बाबा महमूद गजनवी जे पहरी हमले ते कामयाब थिया है तो मशहूरी न थिया त दुनिया जन्नत ना इने में नाकामी भी थिंदी है ना तारीख यो साबित कयवा एकड़ी नाकामी का पो वरी मानू जे कहन अग्या थी विंदा है ता डठो हुंदा सा तो मैं एक गलत इंटरफेयर कर बाय नेचर सम पीपल आर स्ट्रांग कुछ मजबूत हुंदा है कुछ ना हुंदा है तो ना बता सही हां कोई सेंसिटिव आदमी है कंसिस रहे उने के बदी के इफेक्ट पाउंदा बदी के इफेक्ट ठीक है तहां पान डठा हुंदो कि अल्लाह माफ करे के जो पी मरी बियो तो बदी दुखी हुंदा तो चार पुत्र रोनता हे पन्यो हेते आराम से बैठो यार अल्लाह की मर्जी हां देयर आर सम पीपल हु कैन टेक अ शॉक some people who are strong sahi that is life na ki hai unke face kare mujhe maqsad hai jeke kamzor manu je sai gal ke jeke face na tha karta unhon wo kiye face ke ikdo ta ya unhon takleef ke ha shuru mein asan paanje baran ke training ke dauran schoolon mein edi tarbiyat diyu jo wo nakami ke bhi sikhan theek hai bio yo hai to jadi mara asan pareshan thinda hu asan ditho hai ko fault ki thi hui fail thi ho ya nakam thi ho ya job ma nikto तो जड़े माल अस स्ट्रेस में हूं मू नी मानी ख्याल रखा खाधे जो न एक्सरसाइज ख्याल रखा न सोशल एक्टिविटी कह न कम कहें मसलो गंभीर थी अस चूंता तो चाहे इम्तिहान हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए हि मुझे मैसेज है पांजे छो स्टूडेंट्स के सबनी के तो जेडी माल ता स्ट्रेस में हो जो तकलीफ में हो जो जरे तकलीफ में यो लव पांजे निंड जो खास ख्याल लगजो चाहे केर भी फौत थे हो निंड जो ख्याल रखो सुठी मानी बेहतरीन खानी है बैलेंस डाइट तो वो ताके स्ट्रेस में मुकाबले करने की सलाह दे इन सा गड गड फिजिकल एक्टिविटी चाहे इबादत की शिकल में हो जाए चाहे वर्जिश की शिकल में हो जाए वह जरूर करनी है खास तौर से जो इम्तिहान के टाइम से अस बार उ पढ़ा पढ़ाई से जोर एक्सरसाइज मानी निंड से ख्याल ना हाँ जेडी माल जिसम में पानी घटती हों या गजायत घटती हूँ तो इंसान की कारकर्दगी खराब थी वी तो अस चूं जेडी माल स्ट्रेस हो तो उन्हें तो शर्माय न घुर्जे बाबा जेडी माल कैम तकलीफ में जिसम की बे उजू में तकलीफ है तो दिमाग में भी प्रॉब्लम थी सके तो उन प्रोफेशनल हेल्प वठण में न शर्मा जो अस स्टिग्मा ठाई है ना धब्बो ठाया है इन न बाबा डॉक्टर का इलाज करा वड़ा वड़ा मानु इन जे कामयाब थिया वो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वट वन था थोड़ी जी उन सा गलायण सा साइकोथेरेपी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन अर्जी है पेरेंट्स जो भी वड़ो कसूर आहे बिल्कुल सही है बाय पुटिंग प्रेशर बार ते विझण
तोखे मेडिसिन में हेतरा नंबर वठणा आहिनि, तोखे फला शइ वठणी आहे, प्रेशर न विझणु घुरिजे, तव्हांजो प्रेशर न विझणु घुरिजे, मॉडरेट जेतिरो बर्दाश्त करे। टे साल में हिकिड़ी वॾी यूनिवर्सिटी आहे पाकिस्तान में, आई एम विटनेस जो हुननि जे टे ॿारनि सुसाइड कयो बाप मारे प्रेशर जे करे। हा, पीउ नाराज़ थींदो, मम्मी नाराज़ थींदी, मतलबु इहो बि ग़लति आहे, पखे सां लटकाए छॾियो, मतलबु प्रेशर बि असांखे स्ट्रेस पैदा करे थो। बिल्कुलु बिल्कुलु, चवंदा आहिनि त हिकिड़े लतीफ़ो ॿुधायां थो त हिकिड़ो स्टूडेंट बीठो पंहिंजे टीचर खे चयईं त अंग्रेज़ी वारो ईंदो आहे अंग्रेज़ी में ॻाल्हाईंदो, अरबी वारो अचे थो अरबी में, सिंधी वारो सिंधी में, तव्हां मैथमेटिशियन में मैथ्स में छो नथा ॻाल्हायो? त हुनखे चयो ज़्यादा 3-5 मुझसे नहीं करो, फौरन 9-2-11 हो जाओ। तो एड़े नमूने से मगर प्रेशर भी गलत है। अच्छा, मैं जरूरी फार्मूला बताया था, स्ट्रेस आए छा, स्ट्रेस तड़ी थी तो है जड़ी माल रिसोर्सेस घट हो जन ऐं प्रेशर जाम हुजे न, मां ईंदो स्ट्रेस थिए त डिप्रेशन छो थो थिए, पर मां हिकिड़ी बार छा, जेकॾहिं को मरीज़ आहे मुंहिंजे घर में, मां हिकिड़ी पॉइंट, मुंहिंजे घर में हिकिड़ो मरीज़ आहे, उहो ज़हनी मरीज़ आहे, या मुंहिंजे पाड़े में आहे, या मुंहिंजे माशरे में आहे, त उन मरीज़ जा मूं ते कहिड़ा हक़ फ़र्ज़ आहिनि कानून में? तव्हां वटि मरीज़ जा कहिड़ा हक़ आहिनि मूं ते उन मरीज़ जा मुंहिंजे मथां? त मां मरीज़ कहिड़ो त बेकार वेठो आहे न, तव्हांजी ड्यूटीज़ छा आहिनि? हा, मुंहिंजी मतिलबु मुंहिंजे मथां हुनजो राइट कहिड़ो आहे, मुंहिंजे मथां हुनजो कहिड़ो फ़र्ज़ आहे, त मां हुनखे कीअं? जीअं जीअं एक्ट चवे थो, यू हैव टू फना तारीख़ ते 15 ॾींहनि खां पोइ 20 ॾींहनि खां पोइ जो बि प्रिस्क्राइब डॉक्टर हुनजो चवे थो, ताकी हुनखे खणी वञिणो आहे, उते इलाज कराइणो आहे, हुनजी ब्लड टेस्ट कराइणी आहे, ठीकु आहे, हुनजो सीरम लिथियम हे हो जो बि प्रॉब्लम आहे हो हे सभु चेक कराइणो आहे, सभु एक्ट में लिखियलु आहे, लिखियलु आहे, अच्छा, इहे सभु चेक कराइणो आहे तव्हांखे, अगरि नथा करायो त तव्हां पंहिंजो कमु नथा कयो न, माना असां नेग्लेक्ट छा थियो? अच्छा, असां अक्सर ईअं कंदा आहियूं त जेके असांजा ज़हनी मरीज़ हूंदा, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ख़बर, उहा असांजी दरगाहनि ते छॾी ईंदा आहियूं, मदरसनि में छॾी ईंदा आहियूं, या जेके साकेट जा सेंटर उते छॾींदा आहियूं, बसि हाणे इहे ठीकु न, न हिकिड़ी ॻाल्हि, छा कानून में ईअं आहे? नो, यू कांट, यू नॉट सपोज़ टू, बट केरु वेंदो? जीअं मां पहिरियों चयो न की हुकूमत जो कमु आहे लॉ ठाहे छॾियऊं, हाणे हर इस्पताल खां ॿाहिरि जे ॿाहिरि हिकिड़ो SHO त न वेठो आहे न, सही आहे, ठीकु आहे न, प्रॉब्लम हुजो वीचारो पंहिंजी दिमाग़ में जेके परेशानी थी आहे हुनजो एतिरो वॾो प्रॉब्लम न आहे, हुनजी त ड्यूटी ई कान्हे को, हा हुनजी ड्यूटी आहे जो हुनजे आस पास माण्हू माना कानून में हुननि जी ख़िदमत करणी, हुन सां तिखो तिखो न ॻाल्हाइनि, ठीकु आहे, हुन सां प्यार मुहबत करनि, सही, हुन सां वेही पुछनि की क्या प्रॉब्लम है, हमसे ग़लती हुई, हमको माफ़ु कर दो, ईअं न की डंडो खणी वेहनि, हुनखे इम्प्रूव कनि, माना इम्प्रूव कनि न, आज राति को 9 बजे डॉक्टर साहिब के पास अपॉइंटमेंट आहे, तूं असां सां हल, जेतिरो डिफिकल्ट केस हूंदो ओतिरो घटि वेंदो डॉक्टर वटि, सही, हुनखे प्यार मुहबत सां खणी हलनि। इन सिलसिले में मां इहो चवणु चाहियां थो त Section 52 जेको नई हेल्थ मेंटल हेल्थ एक्ट जेका सिंध में एक्ट थी वई आहे ऐं फेडरल में अञा ऑर्डिनेंस आहे, त उन में इहा लिखियलु आहे त माण्हू तव्हां पंहिंजे ज़हनी मरीज़नि खे जिस्मानी ऐं इमोशनल जज़्बाती उन खे सपोर्ट ॾियणो आहे, ऐं उन सां जे तव्हां एब्यूज़ कयो, चाहे फिज़िकल एब्यूज़ हुजे, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ हुजे, सोशल हुजे, सेक्शुअल एब्यूज़ हुजे, उन जी सज़ा 5 साल कैद ते बामुशक़त ऐं 50,000 रुपए या ॿई थी सघनि था। ऐं इन खां मिसाल जी ॻाल्हि आहे, इहो जे एक्ट खे सही नमूने सां पढ़िजे त उन खे कंहिं मरीज़ से भो बिलावजा उन ते थोरो इन पासे मां वरी ज़िया साहब ॾे त डिप्रेशन जूं निशानियूं छा आहिनि? अच्छा, थोरो इहो ॿुधायो न, कीअं असांखे ख़बर पए त मां डिप्रेशन में आहियां? पहिरीं ॻाल्हि थी आहे त डिप्रेशन खे सभिनि खे थिए थी, नोबडी इज़ इम्यून टू दैट। जेॾी महिल असां दुनिया में ईंदा आहियूं, ॿारु हिकिड़ो क्राए करे ईंदो आहे, रोईंदी ईंदो आहे, ऐं जे हू न रोए त ज़िंदगी स्टार्ट नथी थिए, तंहिंजी माना असां सभिनि खे डिप्रेशन थी सघे थी। पर असां उन जी मिसाल जी ॻाल्हि आहे, कंहिं तव्हांखे का बेइज़ती कई त तव्हां उदास थी आहे, इहा डिप्रेशन त आहे, पर डिप्रेशन डिसऑडर जे ज़िमरे में न ईंदी। डिप्रेसिव डिसऑडर जे ज़िमरे में तॾहिं ईंदी त घटि में घटि हे अलामात इन्हनि मां ॿ हुजनि। डाए जो फार्मूलो, डिप्रेस मूड इन डिक्रीज़ एनर्जी इंट्रस्ट घटि थिए ऐं एनर्जी घटि थी, यानी हिकिड़ो उदास बि हुजे, उन सां दिलचस्पियूं बि घटि थियनि, ऐं उन सां हिकु एनर्जी या कुवत में कमी अचे, ऐं घटि मां घटि 2 हफ़्ता अचे, 2 हफ़्ता थिए त पोइ उनखे असां डिक्लेयर कंदा आहियूं त हाणे हीउ डिप्रेसिव डिसऑडर आहे। उन में इज़ाफ़ी अलामात या निंड जी ख़राबी, बुख ख़तमु थियणु, कंसंट्रेशन ख़तमु थियणु, ऐं मायूसी वारियूं ॻाल्हियूं, होपलेसनेस, ऐं उन खां सवाइ सुसाइडल आइडिया ईंदा आहिनि, त पोइ असां चवंदो आहियां हीउ डिप्रेसिव डिसऑडर आहे,
उन्हें जो इलाज करना घुर्ज करना घुर्ज मतलब ये इनको इलाज जरूरी है। अच्छा फारूक साहब एक खास गाल में जो कानून ठाया तो उनमें ये सब शे मरीजन के असर नेग्लेक्ट कर छूँ था वो पॉइंट से अचान तो पर जैसे अस कें साइकेट्रिस्ट वो उन मरीज के वी था वनों तो माशरू ज सोसाइटी या मूँ या पाड़े जहाँ मूँ चवन तो यार ये तो हाँ जहनी मरीज थो तो इलाज तो वे इन ला प्रोटेक्शन है साई कोई प्रोटेक्शन ना है। अब हाँ एक वो डॉक्टर है वो फना जाए तो रखल ठीक है ये तुम वेचारो वो जैसे प्रॉब्लम है वो तो वो वो बुरको पाए तो ना वो ना जाहिर है माशरे में रहो दिसंदा मानू उन असो माशरे में माशरे की गलती ना है। गवर्नमेंट शुड सेटअप इंस्टिट्यूट्स जिमें तुम खामोशी से वो चेकअप कराए वापस अचो ये जडी थो तभी अस मानून के या जो असाजा मेंटली डिस्टर्ब्ड मानू हैं हुनन जो है मॉरल हाने अगर मॉरल सपोर्ट थी इंशाल्लाह चार हफ्ते में पांच हफ्ते में छह महीने में कितना टाइम ठीक थी अच्छा जो मानू उन्हें डिसेंडा हाँ हो जाना यार ये तो उधर बैठा नहीं 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 अभी तो ठीक हो गया पहले चल गया था। अच्छा ना हाँ थोड़ा मुझे लफ्ज पूरी चौदह वक्त भी पूरा थोड़ा मुझे ये मत तो जो असो ऑर्डिनेंस है वो असके जहनी मरीज उन सभी के प्रोटेक्ट करे तो सभी के सभी के प्रोडक्ट मतलब उनका फायदा है उनके उनके अमल से डेफिनेटली साईं उन्होंने तो मेहनत की भैया डेडी तो उनका उनका फायदा सब जेकी भी मेंटल हेल्थ जा या डिप्रेशन जा जेकी साइकोसिस जा मरीज जा अच्छा सभी जो इलाज मौजूद है। हां दरअसल दिसुंदा त जेके जे यानी ज्यादातर असन जेके बीमारियों उनन जो इलाज तमाम सुठो है। मिसाल जी गाला डिप्रेशन जो इलाज तमाम सुठो है उन रिजल्ट अच्छा है। एंजाइटी डिसऑर्डर जे में खौफ बेचैनी वाली विश्वसन वाली बीमारी उन गो है वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन तमाम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जेके जहनी बीमारी के करे जिस्मानी अंदाज में पेट में सूर है मां इन रिसर्च किया अस उनसा गाला पेट जो मसलो हल उनको इन तमाम सुठा इलाज है। हाँ अलबत् कुछ शुभ में अ तरक्की न थी है छो तो सजी नफ्सियाती इलाजन में 1950 का कुछ तरक्की थी है। उनमें असो खास तौर पर अस स्किज़ोफ्रेनिया जो कुछ वैरायटी है उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन मतलब तकरीबन 80% इलाज में हाँ फारूक जैसा मैसेज छा हो पैगाम तुम आवाम जहनी मरीज को पैरों जो ही वो बेचारो तो आउट है जैसे तकलीफ है उनके घरवारों के मुझे पारा था जो खुदा जो वास्तो अव प्लीज़ क्वेक्स वट न वो जाली डॉक्टर वट न वो ठीक है पाँच घरवारे जो सही तरीके से घरवारो आ घरवारी है कोई भी बार आ चाहे उनको कि प्रिस्क्राइब डॉक्टर को इलाज करायो राइट एंड देन मॉनिटर कर मरीज के जेस तीन तुम मॉनिटर न कद उन खाई दवाई वो पाँच ख्याल एक्सरसाइज न कद नशो भी कद उनके मॉनिटर कर मुझे मैसेज ये अस अचो तो गड़ी इन नफ्सियाती बीमार के समझू नफ्सियाती बीमार को भी मुस्तसना ना है मुख्य भी थी तक भी जैके बीमारी ना है वो शुक्रगुजार रहे जैके बीमारी है उनसे हमदर्दी भी करे उनते मश्किल न करे जो स्टिग्मा कर बुलिंग कंदा असी गड़ी मिली गवर्नमेंट ए सोसाइटी मिली इन बीमार के शिकस्त दई सकूँ था तो गड़ी असेंगे करण घुर्ज जो असो फर्ज है इन में ही खुशी होने घुर्ज वही मेहरबानी मोहम्मद इकबाल आफरीदी वही मेहरबानी फारूक जिया साहब अस वाले वही मेहरबानी असा मौजूद मेहमान अस डॉक्टर इकबाल साहब ढी जबरदस्त गाल कई जी भी असा जहनी मर्ज उन 90% इलाज अस मौजूद चंद अड़ी बीमारियों जिन जो अस कंट्रोल है इलाज को फारूक जिया साहब असें ढी सु कानूनी जान दिनी तो एक ऑडियंस ठेल है उनके मुताबिक जो भी जहनी मरीज है उनको असा फर्ज है तो असान इलाज करायूँ उनके बेहतर करूँ उनके इन माशरे जो सुठो फर्ज ठाँ वो जहनी मरीज है वो ठीक थी सके तो डॉक्टर साहब के फारूक साहब के इन गाल अमल किया बेहतर सुठी जिंदगी गुजारे सकता इन प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक्त पूरा थे मेजबान डॉक्टर वाहिद बशमावर के इजाज़ दींदा अल्लाह हाफिज़।